पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गर्त में डूबने से बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान ने आदेश जारी कर नई गाड़ियों की खरीद पर रोक के अलावा सरकारी कार्यालयों के कार्यरत कर्मचारियों को कागज के दोनों तरफ का इस्तेमाल करने का फरमान भी दिया है। ज्ञात हो कि इमरान सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा हर साल बढ़ रहा है और FATF के एशियन पैसिफिक ग्रुप द्वारा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के बाद इमरान सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की लगातार कोशिशें कर रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक बैठकों के दौरान पहले से ही चाय या बिस्कुट जैसे जलपान के प्रावधान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि तब पाक सरकार ने इसे अधिकारियों के स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला करार दिया था और उन्होंने कहा था कि इससे अधिकारियों को बीमारियां हो रही हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि कैसे इमरान खान सरकार अपने पाक की अर्थव्यवस्था को सुधार पाएगी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और विदेश से जुड़ी पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।